आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज, कलम की ताकत। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। सरदारपुरा लड़ाना की गौशाला में गोवंशों की लगातार हो रही मौत के मामले को लेकर सुरतगढ़ गौ भक्तों में गहरा आक्रोश। इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की मांग को लेकर अनेक संगठनों ने संबंधित प्रशासन को सौंपे ज्ञापन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुरतगढ़ उपखंड के लड़ाना गांव में शुक्रवार को दर्जनों गोवंशों की तथा शनिवार को काफी और गोवंशों की लगातार हुई मौत को लेकर सुरतगढ़ क्षेत्र के गौ भक्तों में गहरा रोष देखा गया। आज इंदिरा पार्क में सुरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति बजरंग दल लड़ाना गांव के लोग और सैकड़ों गौ भक्त इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी के निवास पर पहुंचे। उपखंड अधिकारी के निवास पर नहीं मिलने पर सभी तहसीलदार निवास पर पहुंचे। तहसीलदार भी अपने निवास पर नहीं मिले तो गौ भक्तों का गुस्सा और बढ़ गया और तहसीलदार के निवास पर जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर आज शहर में अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के नवनीत मुंजाल, सुरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक बद्री शेर ने तहसीलदार से फोन पर वार्ता करने के बाद उनके रीडर को ज्ञापन दिया गया। इसके बाद सभी गौ भक्त नारेबाजी करते हुए सुरतगढ़ पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और पुलिस उपाधीक्षक लोकेंद्र दादरवाल को मामले की जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। उपाधीक्षक दादरवाल ने जांच करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने में बजरंग दल के विष्णु हिंदू नवनीत मुंजाल, पवन कुमार, सुरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति संयोजक बद्री प्रसाद शर्मा, हंसराज स्वामी, राजकुमार गिरी, प्रेमनाथ ओड एवं सैकड़ों गौ भक्त मौजूद थे। सुरतगढ़ से पीएन योगी की रिपोर्ट। मर रहे बराबर है तो भी पर है आपकी टीम जी की है पशु चिकित्सक भी होंगे बाण पर कंट्रोल करे भी के मामलो मरीज आपको बच्चा बता दो और एक टीम गठित करे सारे गौ शाला के अंदर देख बच्चे की और उसे कोई रोग रूप तो ना है कोई और भी कोई इलाज है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गो हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।